राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है राजबाला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने खूबसूरत शहर यूपी किसान नोएडा से। तो दोस्तों, अभी हो रहा है सुबह का समय, 4 बजे में उठ गई थी, अभी बज रहे हैं 5। दिन निकल आया है, आधा दिन निकला है, आधी रात हुई, कभी लाइट भी बंद ही नहीं हुई रोड की। और दोस्तों, आज है 10 मई, 10 मई यानी कि अक्षय तृतीया, और अक्षय तृतीया पे हम जा रहे हैं कालका मैया के दर्शन के लिए। तो काफ़ी दिन हो गए हैं कालका मैया के दर्शन नहीं किए हैं, तो फाइनली आज माता रानी का बुलावा आया है और हम सभी जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तो फटाफट से मैं नहा धो के और गोपाल जी की सेवा कर लेती हूँ। गोपाल जी की जो सेवा है आज, चंदन सेवा होगी, और तब तक बच्चे भी तैयार हो जाएंगे जो भी मेरे साथ जाएगा। तो लीजिए, हो गए हैं हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार, और कर लीजिए गोपाल जी के चंदन श्रृंगार दर्शन। तो ठाकुर जी को मैं नहीं लेके जा रही हूँ, ठाकुर जी रहेंगे यहीं पर, और चलिए चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। अभी आए हैं पार्किंग में, गाड़ी लेंगे और मिलते हैं आपसे मंदिर पहुँच कर। आरती बनावा अगर कपूर पावा, आती मंदिर विच आरती, जय मां पिंडी वाली आरती, जय मां जयकारा सेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। तो दोस्तों, पहुंच गए हैं मंदिर पे और गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। माता रानी की थाली ले ली है, यहाँ पे माता रानी की चुन्नी, सिंगार, नारियल, जो भी संपूर्ण भेंट माता रानी की चढ़ती है वो हमने ले ली है, जितनी हमें जानकारी है। और चलिए चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तो अभी भीड़ नहीं होगी, दिन निकल आया है, काफ़ी जल्दी चले थे हम घर से। और इस तरह की छोटी छोटी दुकानें माता रानी के मंदिर के बाहर ही आप लोगों को मिल जाएंगी प्रसाद की, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। कहीं से भी आएँ माता रानी के दर्शन के लिए, और बहुत ही आसान तरीके से आप दर्शन कर सकते हैं। कितनी भी भीड़ हो, माता रानी हम सबको दर्शन देके ही भेजेंगी, बिना दर्शन के किसी भी भक्त को नहीं भेजेंगी। चलिए एक बार फिर से जयकारा लगाते हैं, बहुत सांचे दरबार की जय। तो एक समय था जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं, यहाँ पे दोनों तरफ से दुकानें थी, बड़ा ही अच्छा नज़ारा रहता था उस समय पे, बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों तरफ से दुकान थी, सारी चीज़ें मिलती थी, लेकिन पता नहीं किस कारण से यहाँ से दुकानें हटा दी गई हैं और एकदम बिल्कुल चौपट सा लगता है, यहाँ पे दुकानें नहीं है। क्योंकि हमने जब से होश संभाला है यहाँ पे वो दुकानें देखी थी और अब नहीं है, तो अब हमें थोड़ा सा अजीब लगता है। हो सकता है जो पहली बार आए तो उनको तो सबको मतलब नॉर्मली लगेगा, लेकिन माता रानी के भवन की जो रौनक है वो आज भी ऐसी है, हमेशा ऐसी ही रहेगी। देखिए बिल्कुल भी भीड़ नहीं है माता रानी के मंदिर में, और दर्शन बहुत ही अच्छे होंगे। तो जहाँ तक कैमरा ले जा सकती हूँ वहाँ तक जरूर लेके जाऊँगी, आप सभी को पता है कि मैं आप सभी को दर्शन करा ही देती हूँ। देखो माता रानी के दर्शन करा पाती हूँ या नहीं। तो यहाँ से हमें ये लाइन मिल गई, वैसे लाइन तो बहुत लंबी लगी हुई थी दूसरी तरफ से, लेकिन यहाँ से माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी की कृपा रही कि यहाँ से हमें एक भैया ने इधर से घुसा दिया, तो जल्दी ही हमारा नंबर आ गया। चलिए
दोस्तों माता रानी के दर्शन करके आ गए हैं। अंदर जो है वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, तो फिर मैंने ज़्यादा चिकचिकबाजी नहीं की, मैंने कैमरा नीचे ही कर लिया था, हटा लिया था, यानी कि नहीं तो मैं हर बार, कई बार पहले भी मैंने दर्शन कराए हुए हैं आपको माता रानी के, तो कर लीजिए घर बैठे माता रानी के मानसिक रूप से दर्शन। ये है हमारी दिल्ली वाली कालका मैया। नहीं घबराई दा, बोल जयकारा माई दा, जो अंग संग सहाई है वही कालका माई है, कालका माँ की फौज करेगी मौज। तो चलिए माता रानी के सभी भक्त मौज करें, ऐसी हम कामना करते हैं मैया से। तो अभी हम यहाँ पे जितने भी देवी देवता हैं ना कालका मैया के पास आसपास में, तो सभी के दर्शन करेंगे, फिर हम जाएंगे बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए। कालका मैया के दर्शन के लिए जाएं तो जितने भी देवी देवता यहाँ पे विराजमान हैं आप सभी के दर्शन करके ज़रूर आएं, क्योंकि ऐसी मान्यता है, ऐसा मैंने सुना है कि ये जो देवी देवता हैं ये जब से हमारी मैया यहाँ पे तभी से हैं, उनके साथ के ही हैं। और एक यहाँ पे महादेव भी हैं, बहुत ही प्राचीन महादेव हैं, यानी कि बहुत पुराने, जिस समय मैया थी उसी समय के महादेव हैं, तो वहाँ पर भी आप जल जरूर चढ़ाएँ। जिस तेरा पवन बनाया मंदर बिच आरती जय मां पवना वाली आरती जय मां सिमर चरण तेरा ज्ञानो यश गावे सिमर चरण गावे। तो सारे ही भगवान यहाँ पे विराजमान हैं, सभी का आशीर्वाद लें, किसी को भी छेक के ना आए, क्योंकि भगवान तो कण कण में है। आरती जय मां, जय मां ज्योता वाली देवी देवताओं के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है जो भी माता के दर्शन के बाद बाबा के दर्शन नहीं करेगा उसकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, उनकी जो यात्रा है वो पूरी नहीं मानी जाएगी। जयकारा भैरव बाबा का बोल सांचे दरबार की जय। दर्शन के लिए जा रहे थे, और आप सभी जानते होंगे इस रास्ते, हर कोई इसी रास्ते से जाता है बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए, तो इसी रास्ते में हमें दिखी जो माता रानी की पैदल यात्रा चल रही थी, तो हम उस यात्रा में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो मेरा मन है वो व्याकुल था, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पा रही थी, लेकिन माता रानी इतनी दयालु है, ये पैदल यात्रा के दर्शन मुझे आज माता रानी ने करा दी। और हाँ, आज यात्रा का आखिरी दिन है, आज है अक्षय तृतीया, तो आज माता रानी की यात्रा का आखिरी दिन है, और जो भैया हैं सुनील सैनी उनको भी
उनके भी दर्शन हमें कराए, वो अभी आपको आगे वीडियो में उनके दर्शन जरूर मिलेंगे। तो माता रानी का जयकारा लगाते हुए जय माता दी जरूर लिखिएगा, और माता रानी के दर्शन की वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जोत जागेगी सारी रात मंदिर बिच, आरती जय मां जय पहाड़ा वाली, आरती जय मां। जुग जुग जीवे तेरा जम्मू दराजा, जुग जुग जीवे तेरा पवन बनाया मंदर बिच, आरती जय मां पवना वाली आरती। अब हम आए हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए, और जो भी माता रानी पे आते होंगे उन सभी को मालूम होगा बाबा भैरवनाथ के दर्शन कितने महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बाबा के दर्शन करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं बाहर आके। तेरा ज्ञानो यश गावे चरना तू जावा बल हार मंदर बिच, आरती जय मां जोता वाली। तो आप भी कर लीजिए बाबा भैरवनाथ के दर्शन घर बैठे, बस इससे आगे कैमरा नहीं जाएगा। मंदर बिच बाबा के दर्शन करके बाहर निकल आए हैं, और बाहर हैं हनुमान जी का मंदिर। हमारे हनुमान जी और भैरव बाबा, इनके दर्शन आप जरूर करिए जब भी आप कालका मैया के दर्शन करने के लिए आए। तो यहाँ पे जो प्रसाद में धूप दीप प्रसाद फूल वगैरह जो भी मिलते हैं बाबा हनुमान को चढ़ा दिया यहाँ पे। चढ़ाने के बाद इन दोनों भुक्कड़ों को लग गई है भूख, क्योंकि यहाँ पे गरम गरम खस्ता कचौरी बन रही थी, पता नहीं कौन सी कचौरी बोला जाता है इनको। तो इनको देख के इनके मुंह में आ गया पानी, और इन्होंने प्रसाद तो चढ़ा ही लिया था, तो दोनों यहाँ पे कचौरी खा रहे हैं। तो यहाँ पे ये अच्छा ऑप्शन है, अगर प्रसाद चढ़ाने के बाद किसी को भूख लगती है तो भैरव बाबा पे यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है। दर्शन पहले ही हो गए थे, और जब तक हम दर्शन करके आए तो जो पैदल यात्रा हमने रास्ते में छोड़ी थी वो मंदिर पे आ चुकी थी। और यात्रा आने के बाद देखिए कितनी ज्यादा भीड़ हो गई है मैया पे। तो चलिए अब आपको माता के भक्तों से मिलाती हूँ। बहुत सारे आए हुए थे जिनको मैंने यूट्यूब पे देखा है, इंस्टाग्राम पे देखा है, कहीं ना कहीं देखा है जो सोशल मीडिया पे। तो चलिए आपसे मिलाती हूँ सभी को, और आप सब भी मेरे साथ ठोके लगाइए माता रानी के दरबार में। बोल जयकारा सेरा वाली दा साचे दरबार की जय।
सबसे बड़ी बात माता रानी ने जो सिंदूर भैया के दर्शन है उनके भी कराए, अपने भी दर्शन दिए, मन ऐसे भावुक हो गया, ऐसे लग रहा कि माता रानी ने मेरे मन की बात सुन ली। काफ़ी दिन से सुनील भैया से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, बहुत पहले आए थे तो उसमें मुलाकात नहीं हो पाई थी, मैंने आज भी कराए और चलिए जयकारा से रावाली साँचे माता रानी के दर्शन हो गए, भैया के भी दर्शन हो गए और पैदल यात्रा के भी दर्शन हुए। अब आपको दर्शन कराती हूँ माता के धुना के, तो चलिए माता का जो धुना है यहीं पे है वो तो आपको दर्शन कराती हूँ। चलिए दोस्तों माता रानी के दर्शन करके, भैरव बाबा के दर्शन करके और आ गए हैं पार्किंग में। अब यहाँ से गाड़ी लेंगे, घर के लिए निकलेंगे और शायद अभी 8 बजने वाले होंगे और हमारे दर्शन हो गए। तो इस मौसम में दर्शन करने का अगर आपका मन है तो घर से जल्दी निकलिए, 4 बजे 5 बजे तो निकलिए ही निकलिए, तभी आप माता रानी के तसल्ली से और ठंड ठंड में दर्शन कर पाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए मिलेंगे माता रानी की एक और ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए कालका मैया की जय।